वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो कब से मैं इस वीडियो को बनाने का वेट कर रही हूँ, लेकिन मेरी फ्रैक्चर की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाई, काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया, बट फाइनली यू नो आई एम शूटिंग दिस वीडियो एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। ओके, मैं हैप्पी इसलिए हूँ क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छा है। तो इतनी कॉन्फिडेंटली मैं काफ़ी कम चीज़ों के लिए बात करती हूँ, स्पेशली तब तक तो बोलती ही नहीं जब तक मैंने खुद ने ट्राई नहीं किया हो। लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मैं पिछले एक महीने से ट्राई कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी दिस इज वन अमेजिंग प्रोडक्ट यू मस्ट हैव। ओके, सो इट्स वन अमेजिंग एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट दैट एवरी गर्ल शुड हैव विथ हर। बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये प्रोडक्ट आपके। और हाँ, मैं आपको स्पेसिफाई कर देना चाहती हूँ कि दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। ये मैंने खुद ने खरीदा है एंड मैंने खुद ने टेस्ट किया है, ट्राई किया है, इसलिए मैं यू नो अच्छी चीज़ें हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो बेसिकली मैं बात कर रही हूँ पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम की। सो इट कम्स इन अ पैकेजिंग लाइक दिस एंड इसका जो प्राइस है वो है ₹85, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक महीने में ख़त्म हो जाएगा। मैंने एक महीने पहले लिया था एंड काफ़ी कम यूज़ हुआ है एंड मैंने इसे रेगुलरली भी यूज़ किया है, तो उस प्राइस के, उस क्वांटिटी के हिसाब से, यूजेज के हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो अब तारीफ़ कम और काम ज़्यादा, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ये आपके हेयर को कैसे कैसे बेनिफिट कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो नाउ। तो पहले इसके नाम के साथ जाते हैं जो कि है पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट। सो इट क्लियरली सेज दैट इट वर्क्स एज एन ऑयल रिप्लेसमेंट। तो हम जानते हैं कि कभी कभी लाइफ इतनी बिजी और हेक्टिक हो जाती है कि हमें वक्त ही नहीं मिलता है हमारे बालों का ख्याल रखने का, और इस वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो अब टाइम नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे बाल भी ख़राब हो जाएँ, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे में। तो अगर आपके पास ऑयलिंग करने का टाइम नहीं है, ऑल दो ऑयलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर ऑयलिंग नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, किसी भी वजह से अगर आप ऑयलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसका थोड़ा सा क्वांटिटी लीजिए एंड उसको अपने पूरे स्कैल्प पे और बालों पे अच्छी तरीके से मसाज कीजिए, एक घंटे के लिए रखिए एंड देन वॉश कर दीजिए। ट्रस्ट मी, जब मैंने इसको यूज़ किया तब मुझे पता चला कि इट एक्चुअली वर्क्स एज एन ऑयल रिप्लेसमेंट, क्योंकि जब मैंने अपने बालों को वॉश किया उसके बाद मेरे बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट और इतने ज़्यादा मैनेजेबल एंड स्मूथ हो गए थे। आई मीन, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, आई विश कि उस वक्त मैं नो ऐसे टच करके आपको दिखा सकती कि हाँ ये देखो मेरे बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। सो इट वर्क्स अमेजिंग एज एन ऑयल रिप्लेसमेंट। द सेकेंड यूज़ इज़ दैट इट वर्क्स अमेजिंग एज अ हेयर सीरम। तो जब आप नहाकर बाहर निकलते हैं, आपके बाल गीले होते हैं, तो आप अपने बालों को टॉवल ड्राई कर लीजिए, उसका जो पानी है एक्सेसिव वाटर उसको निकाल लीजिए, उसके बाद आप थोड़ा सा पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट अपने हाथों में अच्छे से स्प्रेड कीजिए एंड देन उसको अपने बालों में अच्छी तरीके से इवनली आपको स्प्रेड करना है। स्कैल्प पे ज़्यादा मत कीजिए, आपको आपके हेयर स्ट्रैंड्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देगा, जब आपके बाल सूखेंगे ना तब आप वो यू नो डिफरेंस रियलाइज करेंगे कि आपके बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो चुके हैं, कितने सिल्की हो चुके हैं। छूने से आपको पता चलेगा कि इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप इसको एज अ हेयर सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। द थर्ड यूज़ इज़ दैट यू कैन यूज़ इट एज अ हीट प्रोटेक्टेंट। तो अगर आप हीट स्टाइलिंग टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्ट्रेटनर हुआ या फिर कर्लिंग रॉड हुआ, तो आपको पता है कि उससे पहले हम हीट प्रोटेक्टेंट इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे बाल जो है वो डैमेज ना हो। तो अगर आपके पास हीट प्रोटेक्टेंट नहीं है तो ये हीट प्रोटेक्टेंट का काम भी करता है बहुत अच्छी तरीके से। आपको इसको बस थोड़ा सा अमाउंट लेना है, इतना, एंड देन यू हैव टू स्प्रेड इवनली ऑन योर हैंड्स एंड देन आपको इसको अपने बालों में इस तरीके से अप्लाई करना है। एंड वंस यू हैव अप्लाइड इट देन यू कैन यूज़ योर स्ट्रेटनर। तो ये आपके बालों को काफ़ी प्रोटेक्टेड रखेगा एंड देन आप आराम से हीट प्रोटेक्टिंग जो हीट स्टाइलिंग टूल्स जो होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ इज़ दैट इट वर्क्स एज अ ग्रेट डीटैंगलर। अब डीटैंगलर का मतलब ये होता है कि जब भी आप सो के उठते हैं या फिर जनरली पूरे दिन से अगर आपने कोम नहीं किया होता है तो आपके जो बाल हैं वो उलझ जाते हैं एंड देन आप डायरेक्टली कोम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे बाल टूटते भी हैं क्योंकि वो उलझे हुए होते हैं। इसलिए आप जब अपने बालों को सुलझाएं तो उससे पहले आप ये थोड़ा सा अपने पाम में रब करके अपने बालों में अच्छी तरीके से लगा लीजिए ताकि जब आप कोम करें तो आपके बाल ना टूटे, स्मूथ जो मूवमेंट हो कोम का वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो।
तो इससे क्या होगा, आपके बाल नहीं टूटेंगे, डैमेज नहीं होंगे और आपके जो बाल है वो सुलझ भी जाएंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोग भी पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, परचेज कर सकते हैं, इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।